हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ जो है अपडेट शेयर करने वाला हूँ। इसके पहले वाली वीडियो पे मैंने आपसे बताया था कि जो समर्स में मेरे प्लांट्स हैं, कई सारे जो है उनकी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी। तो एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ उस वीडियो के थ्रू कि ये किसी भी तरह का आपको डीमोटिवेट करने के लिए वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। आपको सिर्फ जनरल नॉलेज देने के लिए बना रहा हूँ कि देखिए, मेरे गार्डन पे भी कई बार ऐसी चीज़ हो जाता है जिस सिचुएशन से आप भी गुजरते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने आपके साथ ये जो है वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो अभी आप देखिए कि जैसे ही अभी गर्मियाँ चल ही रही हैं, बीच में कभी कभार अगर बरसात हो गई तो बहुत अच्छा है हमारे लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, क्योंकि थोड़ा सा नमी हो जाती है एटमॉस्फेयर पे, साथ में क्या होता है कि थोड़ा सा ठंडक हो जाती है, उस कारण से प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। और नेचुरल रेन वाटर अगर मिल जाए तो उससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइज़र के जैसे वो काम करता है। आपने देखा होगा कि कई बार जब आप फर्टिलाइज़ करते हैं प्लांट्स को, उसके बाद भी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि जो है नेचुरल फर्टिलाइज़र जो रेन से मिलता है, एक नाइट्रोजन रिच्ड होता है, उससे प्लांट जो है जल्दी से ग्रो करते हैं और ख़राब भी नहीं होते ओवर रॉटिंग में, ये सबसे अच्छी बात है। तो बेसिकली ये आज टॉपिक मेरा ये है कि आप देखिए कि बर्निंग की कैसी प्रॉब्लम आई है इन प्लांट्स में। तो ये मेरा जो है एरोकेरिया का प्लांट है, यानी कि क्रिसमस ट्री, तो अभी इसके ऊपर जो है ये ऐसी बर्निंग सी जो है ये देखने के लिए मिल रही है, जबकि ये जो है काफ़ी मैंने इसको शेडी एरिया पे प्लेस किया है, इसमें सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट मिलती थी 1 से 2 घंटे की, और उसके बाद जो है इसमें फुल डे ऐसे ही ये शेड में रहता था। उसके बाद भी आप देखिए इसमें कितनी जो है प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। तो सीधा से ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो ऊपर की लेयर्स है उधर पे जो इतनी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, पर जो नीचे वाली लेयर्स हैं, क्योंकि ये फ़िल्टर होके आ रही है ना लाइट, तो उसी कारण से इस वाले में इफ़ेक्ट इतना नहीं देखने के लिए मिल रहा है। पर ऊपर वाली जो है ऑलमोस्ट सारी बर्न हो गई हैं ग्रीन नेट लगाने के बाद भी, शेड्स में रखने के बाद भी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ हीट वेव चल रही थी, उसके कारण से ऐसे प्लांट जो हैं ये झुलस गए हैं। ना सिर्फ ये है प्लांट, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, मेरा क्रोटन का प्लांट है, बहुत अच्छी हेल्दी कंडीशन में था, पर अभी देखिए कैसा होने लगा। ये मतलब पूरे समर से मैं इसे किसी तरह बचा के चल रहा हूँ, बस छोटी छोटी लीव्स आती हैं और उसके बाद ये फिर जो है इसमें बर्निंग की प्रॉब्लम आने लगती है। ये देखिए मेरा फिडेली फिक का प्लांट भी है। तो अभी आप बोलेंगे अगर ओवर वाटरिंग होती तो इसमें भी ऐसा आप साइन बताते हैं, तो देखिए ओवर वाटरिंग होती तो फिर जो नई लीव्स आती है ना वो नहीं आती, गिरने लगती, या तो उनमें भी ऐसा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है बिल्कुल डायरेक्ट साइन है ये बर्निंग का। देखिए क्योंकि यहाँ पे कई सारे मेरे प्लांट्स को ऐसी हो गई ना कंडीशन। ये मेरा एलिफेंट ईयर का प्लांट है देखिए, तो इसमें भी ऐसी ही प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि छोटी लीव्स भी इसमें निकल के आती है ना तो वो बर्न हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये जो है मेरा सिंगोनियम का प्लांट है, इसके बाद भी देखिए ये सुपर हार्डी प्लांट है, ओवर वाटर या ज़्यादा तेज़ धूप छाँव या ठंड सब में चल जाता है, पर इस बार जो है ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो अभी मतलब इसमें जान तो बाकी है, अंदर से जो है ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, कुछ अभी दिनों पे नॉर्मल हो जाएगा, पर आप देखिए इससे जो है अंदाज़ा लगाएगी कितनी तेज़ गर्मी होगी जब ये शेड्स में रहने के बाद भी ऐसा बर्न हो गया। और ये मेरा एरिका पाम का प्लांट है, तो ये ऐसी जगह पे मैंने रखा था कि इसमें जो है बर्निंग किसी भी तरह हो ही नहीं सकती थी, फिर भी जो है ग्रीन नेट लगाने के बाद भी, क्योंकि मैंने जब ग्रीन नेट लगाया ना उसके बाद आंधियां हवा इतनी आना स्टार्ट हो गई, तो कई बार ग्रीन नेट हट जाती है, मेरी ग्रीन नेट तो फट भी गई कई बार। तो अब उस सिचुएशन में अभी ये प्लांट क्योंकि काफ़ी मैच्योर हो गया है, तो मैं इसे ऐसी छोटी सी जगह पे नहीं रख सकता, इसलिए मैंने इसे टेरेस गार्डन पे रखा हुआ है। अब गार्डन का अगर शौक है आपको, प्लांट्स लवर है, तो आप तो ये नहीं देखते हैं कि आपके पास स्पेस है या नहीं है, आप फिर प्लांट्स परचेज करके ले आते हैं, और जो है मेरी वाली सिचुएशन आपको भी फेस करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है, अगर हम मैनेज करते हैं अपने आप को तो प्लांट्स के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं। तो मैंने भी इसकी जो है केयर की, पर ये अच्छे सर्वाइव नहीं कर पाया था, जबकि मैंने इसको हीट वेव से बचाने के लिए सुबह शाम पानी भी दिया, ग्रीन नेट पे भी रखा और साथ में मिस्टिंग भी किया, मतलब मैं पूरी तरह से इसे अपनी जो गार्डन स्प्रे बॉटल होती है उससे इसे नहला भी देता था। उसके बाद भी जो है इसमें बर्निंग, ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स को मैं ऐसा ही करता था इवनिंग में 6 साढ़े 6 के बाद, मतलब उसमें क्या रहता था कि थोड़ा सा जो है मॉइस्चर भी प्लांट्स को मिल जाए, नमी रहेगी और थोड़ा ठंडक मिल जाती है, तो प्लांट उसमें नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो पाता है।
तो अभी भी अगर आपके एरिया पे थोड़ा ऐसा है प्रॉब्लम तो आप ऐसे ही कर दिया करें, ग्रीन नेट का यूज़ करें, वाटर दो टाइम दें चेक करके, ऐसा नहीं कि फिर आपका प्लांट जो है ख़राब हो जाए, और अगर रिक्वायरमेंट है उसमें वाटरिंग की तो करें, और साथ में जो है नहला दिया करें थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। तो ये कुछ मेरे प्लांट्स में इफ़ेक्ट देखने के लिए मिला है, और अभी तो देखिए यहाँ पर मैं किसी तरह इन सबको बचा पाया हूँ जो कुछ अच्छी वैरायटी यहाँ पर मेरे हैं। ये देखिए चीकू का प्लांट है, ये भी काफ़ी बर्निंग की इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो अभी तो ये सर्वाइव कर रहा है अच्छे तरीके से। और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ रोज़ के प्लांट, जो मतलब कई मैंने देखा था कि सुपर हार्डी प्लांट्स होते हैं वो भी इस गर्मी पे सर्वाइव नहीं कर पाए। तो देखिए ये मेरा बहुत पुराना 3-4 साल पुराना ये रोज़ का प्लांट था, और अभी ये जो है सर्वाइव नहीं कर पाया। ये मेरा ग्राफ्टेड मैंगो का प्लांट है, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप मेरे साथ वो कमेंट पर शेयर कर सकते हैं, तो मुझे लगेगा कि मैंने आपको जो ये इन्फॉर्मेशन दी है वो आप तक पहुंची, और आपके प्लांट्स में भी कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट पर पूछिएगा ज़रूर, और बताइएगा अपने प्लांट्स की कंडीशन। तो देखिए ये जो है मेरा प्लांट है मैंगो का, ये भी जो मैंने अभी परचेज़ किया था, और इसकी कंडीशन देखिए आप, ग्रोथ तो अच्छी इसकी हो रही थी पर जैसे ही समर जो आया उसके बाद जो थोड़ा सा तेज़ गर्मी होने पर ना ये जो है पूरी तरीके से बर्निंग की इसमें प्रॉब्लम आ गई। कई प्लांट मेरे ख़राब भी हो गए, बहुत एक्सपेंसिव ये मैंने जो है ये लीची का प्लांट लिया था, और अभी आप देखिए पूरा लकड़ी बन चुका है, सूख गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ग्राफ्टेड गोवा लिया था, बहुत अच्छी वैरायटी का था, अब मुझे फिर से परचेज़ करना पड़ेगा अच्छी कंडीशन में, अच्छा इसको अच्छा फर्टिलाइज देना, अच्छी टाइम से इसमें वाटरिंग करना, और इसको मतलब हर चीज़ देखभाल जो भी ज़रूरत होती है मैं उसमें किया, उसके बाद भी जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि ये हार्डी प्लांट्स में आते हैं उसके बाद भी इनमें यही कंडीशन। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे सारे प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा आपको जो है बर्निंग की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी, बाकी तो लीव्स इसकी अच्छी ग्रो हो रही हैं, ओवर वाटरिंग नहीं है, पर जो है ये बर्न की प्रॉब्लम इसमें आ रही है। ये देखिए आप इतना ज़्यादा बर्निंग की प्रॉब्लम हो रही। ये देखिए मेरे टेबल कामनी का प्लांट तो पूरा सूख चुका है, तो बहुत एक्सपेंसिव प्लांट्स आप लेके आते हैं, मैं भी काफ़ी एक्सपेंसिव प्लांट कई बार परचेज़ करता हूँ, तो उनमें जब ऐसी कंडीशन आती है तो देखने में बुरा तो लगता ही है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं उनके पीछे और हमें लगता है कि हमारा भी गार्डन ग्रीन बना रहे, हरा भरा रहे, फिर ऐसे सिचुएशन आती है थोड़ा सा डीमोटिवेशन आता है। बट मैं आपको यही बोलूँगा डीमोटिवेट बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी क्वेरी रहती है प्लांट्स रिलेटेड आपको समझ में नहीं आती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझे कमेंट पे, मैं ऑलमोस्ट सारे ही कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, तो आप भी ज़रूर पूछिएगा। और कुछ प्लांट मेरे ऐसे भी हैं जब तेज़ हवाएं चलती हैं ना उसके कारण भी कई टूट जाते हैं, एक दूसरे में भिड़ जाते हैं, या ग्रेनेट मैंने लगाई थी, तो अब जैसे मैं आपको बात करूं अपने ये नागचंपा की, तो इसमें काफ़ी बार ना उसका तेज़ हवा का झोंका लगने के कारण ये गिर गया, साथ में ग्रेनेट से भिड़ने के कारण ना इसमें कई जो नई ब्रांचेस निकल के आई थी, अभी आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है इसमें बहुत ही अच्छी नई ग्रोथ निकल के आई थी पर वो टूट गई। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, मेरा एलमांडा का प्लांट भी काफ़ी बार टूटा हुआ है, तो वो सब चीज़ देखने थोड़ा सा तो मेरे को बुरा लगता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम इन्हें ग्रो कर रहे हैं, मैं एक तरह से बोलूँगा कि आप इनके केयर करते हैं, इन्हें पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो दुख तो कहीं ना कहीं लगता ही है। तो ये सारी जो है मेरे साथ ये सब सिचुएशन थी, मैंने आपके साथ जो शेयर किया ये मेरे साथ हुआ, मुझे लगा कि पहले शेयर नहीं करना चाहिए, पर मुझे लगा कि नहीं मैं हर चीज़ अगर आपके साथ प्लांट्स की शेयर करूँगा तो वो जर्नी देखने में आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भी ये चीज़ सीख पाएंगे कि अगर हमारे साथ हो सकता है तो आप अभी तो गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये नॉर्मल चीज़ें होती रहेंगी, कई बार अच्छा होता है कई बार बुरा। तो आई थिंक मैंने अपनी जो सारी चीज़ें हैं इसमें कवर कर दी हैं, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।